यूपी टीवी न्यूज पर फर्रुखाबाद से मास्टर प्लान से संबंधित बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर है। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। देर न करते हुए अब खबर की शुरुआत करते हैं। खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में मास्टर प्लान 2031 का जबरदस्त तरीके से विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है। आपको बता दें हाईवे किनारे मकानों में लगाए गए मकान बिकाऊ के पोस्टर। अमृत महायोजना के तहत इटावा बरेली हाईवे को 60 मीटर चौड़ा रखा गया है, जिसमें हाईवे किनारे रह रहे लोगों में खलबली मच गई है। दरअसल बीते दिनों से पांचाल घाट से सेंटर जेल चौराहे तक के बासिंदे, बीजेपी जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता, सांसद मुकेश राजपूत सहित अन्य नेताओं को ज्ञापन दे चुके हैं। फिलहाल उन्होंने बीती रात पांचाल घाट से मसेनी की तरफ दर्जनों मकानों में अमृत महायोजना 2031 से प्रताड़ित सामूहिक पलायन मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। विश्व हिंदू परिषद के दिनेश सिंह तोमर ने भी अपने आवास पर बैनर लगाया है। इसके साथ ही सड़क की चौड़ाई कम करने की मांग की गई है। आपको बताते चलें कादरी गेट से लकुला मार्ग को 30 मीटर जो किया जाना है उसका भी अब विरोध शुरू हो गया है। कादरी गेट से लकुला मार्ग को 6 मीटर की जगह 30 मीटर नक्शे में दर्शाया गया है, जिसके विरोध में भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। इस सड़क को अधिकतम 15 मीटर ही रखने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही अंकित सक्सेना, कृष्ण सिंह, राहुल कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज। क्या नाम है आपका? कैप्टन श्यामवीर सिंह राठौर। दादा आपने घर के बाहर एक मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया, पूरा मामला क्या है दादा? मामला ये है कि सरकार जो है हमारा जबरदस्ती मकान ले रही है, जबकि नाप तोल यहाँ से 55 फीट है और हमारा 200 फीट तक ले रहे हैं। ये कोई नई मास्टर प्लान योजना आई? ये नई मास्टर प्लान योजना आई हुई, उसी के तहत ले रहे हैं। अच्छा, आपने किसी डीएम या किसी जनप्रतिनिधि को नहीं इस मामले में ज्ञापन? हमने डीएम को और सबको लिखित में दे दिया है और सबसे रिसीव भी लिया है। अच्छा, कोई आश्वासन नहीं मिला क्या? नहीं, आश्वासन दिया है। देखो अब कब तक कार्रवाई होती है तो कुछ तो आपने ऐसा कदम क्यों उठाया कि आपको मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाना पड़ गया? क्यों, बेघर तो वैसे भी होना था, तो बेघर हो जाएंगे फिर क्या? अगर इससे भी नहीं हल मिलता तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, यही हमारे पास विकल्प है। आप भी पूर्व सैनिक हैं और भी लोगों ने लगाए, तो ज्यादातर क्या पूर्व सैनिक ही हैं? अधिकांश यहाँ पर 80% पूर्व सैनिक हैं यहाँ पर।